गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज 22 सितंबर 2020 और ट्यूसडे का दिन यानी मंगल का दिन है और ये हमारी उर्दू की क्लास है। सो प्रेप क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आज हमारा जो रीडिंग का सफ़ा नंबर है वो 18 है, पढ़ाई का पेज नंबर सफ़ा नंबर 18 जो है वो हम आज रीड आउट करेंगे। सो लेट्स, सब बच्चे अपना आसान उर्दू कायदा पढ़िए और सीखिए निकाल लें। सफ़ा नंबर 18, सफ़ा नंबर 18 पे हमने पेश पढ़ा था और हमने इसको बहुत जो है वो लफ्ज़ों को अच्छे से समझ कर पढ़ा था। दो हरफी, तीन हरफी और चार हरफी अल्फाज थे ये। और आज हम जो हैं वो इसके लास्ट में जो कुछ सेंटेंस हैं, कुछ जुमले हैं वो पढ़ेंगे ताकि आपको जुमले की पढ़ाई भी आए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नए अल्फाज हैं जो हम इन जुमलों में देखेंगे, जिसमें दरवाज़ा, बाहर और कहानी जो है वो नए अल्फाज हैं आपके लिए, ठीक है? तो ये पूरा सफ़ा जो है वो आपने रीड आउट करना है, रिवाइज़ भी कर लें पिछला काम सारा, पिछली रीडिंग जो है वो आप रिवाइज़ भी कर लें। और नेक्स्ट जो जुमले मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं। तो हम शुरू करते हैं। ऐन अलिफ आ, लाम छोटी ली, आली, आली और अलिफ और ओर, भे हे भा, बे हे अलिफ भा, हमजा छोटी ही, भाई, आली और भाई। अब यहाँ पे आप देखिए पेश यूज़ किया गया है चुपके, चे पेश पे चुप, काफ बढ़िए के चुपके, सीन बढ़िए से चुपके से, बे अलिफ बा हे रे हर बाहर, गाफ गाफ हमजा ग बढ़िए गए, आली और भाई चुपके से बाहर गए। देखिए बाहर का लफ्ज़ जो है वो आज हमने नया पढ़ा है, बे अलिफ बा हेरे हर बाहर, आली और भाई चुपके से बाहर गए। आली आगे देखिए फिर है अनिफ आ, नाम छोटी अली, आली, सीन अली साते साथ, बे जे बढ़िए जे बजे, आली सात बजे, अलिफ पेश ठे उठ, थे अलिफ ता उठता, हे बढ़िए है, आली सात बजे उठता है। अब नीचे देखिए अलिफ मदा जीम आज, बे पेश दाल भू हे थ, देखिए बे पेश भू दाल है, दाल के साथ आगे दो चश्मी हैं, ध की आवाज़ आएगी, बुध आज बुध, काफ अलिफ का, अब साथ ही इसके पेश इस्तेमाल हो गई है, दाल जेर सॉरी जेर इस्तेमाल हो गई है, दाल जेर नून दिन, आज बुध का दिन है, ते पेश मीम, तुमने बाजी की बात सुनी, सुनी में भी देखिए पेश इस्तेमाल हो रहा है, सीन नून, सीन पेश नून, सुन छोटी ये नी सुनी, तुम ते बाजी की बात सुनी, दादी जान, दाल अलिफ दा दाल छोटी ये दी, दादी जी मलिफ जान नून जान, दादी जान, काफ हे अलिफ कह, काफ हे कह, हे अलिफ हा कहा, नून छोटी ये नी कहानी, कहानी हमारे लिए नया लफ्ज़ है, दादी जान कहानी, सीन पेश नून सुन, नून अलिफ ना सुनना, सुना रही हैं दादी जान कहानी सुना रही हैं, दाल रे दर वालिफ वा दर वा जेहजा दरवाज़ा, काफ पेश दो चश्मी हैं मिलाएंगे, ख की आवाज़ आएगी, का ख पेश नाम खुल, लाम अलिफ ला खुला है दरवाज़ा खुला है, ठीक है? लेट्स रिपीट इट अगेन।
अली और भाई चुपके से बाजार गए। अली 7 बजे उठता है, आज बुध का दिन है। तुमने बाजी की बात सुनी, दादी जान कहानी सुना रही हैं। दरवाज़ा खुला है, इसको आपने जोर तोड़ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग आ जाएगी। जैसे मैंने आपको जोर तोड़ से पढ़ाया है, इसी तरह से आपने इसकी रीडिंग करनी है। और ये पूरा सफ़ा जो है पेज नंबर 18 सफ़ा नंबर जो है इसको आपने रिवाइज़ भी करना है। अब आप अपनी प्रेप की वर्कबुक 1 निकाल लें, जिसका सफ़ा नंबर 44 यानी 44 हम करेंगे। तस्वीरों के नाम लिखने हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम छोटी ए के साथ हरूफ की बनावट पढ़ रहे थे, तो ये छोटी ए के साथ बनावट वाले अल्फाज हैं। जैसे सबसे पहले है आरी, अलिफ मद आर ए छोटी ए री आरी, टोपी टे वाओ टो, पे छोटी है पी टोपी। इसके बाद है बोरी, बेवा बोर ए छोटी है री बोरी, चाबी चे अलिफ चा, बे छोटी है बी चाबी। ये आपने अल्फाज जो हैं वो लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ डोंट योर होम टास्क टू पेज नंबर 44 ऑन वर्कबुक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।